अंतर्राष्ट्रीय ड्रग यूज डे पर आज रतिया में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह ने मैराथन को रवाना किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया और उन्हें नशे से तौबा करने के लिए शपथ भी दिलवाई। एसपी ने कहा कि नशा एक ऐसी बुराई है जो न केवल परिवार को खत्म कर देती है बल्कि पूरे समाज में कैंसर की तरह फैलकर उसे भी समाप्त कर सकती है। उन्होंने खासकर युवाओं से अपील की है कि वे नशे से दूर रहे और अपना ध्यान खेलकूद की तरफ लगाए। शिकायतें यहाँ लगातार मिल रही है हमें और जिस दिन से मैं आया हूँ तो हम चाहेंगे कि हमारा जिला है वो नशा मुक्त हो जाए। और जितनी संख्या में आज लोगों ने यहाँ प्रण किया है, दौड़े हैं नशे विरोधी मुहिम में, तो हमें लगता है कि ये जन जागरण का बहुत ही शानदार प्रयास है और जनता सहयोगी बनेगी पुलिस की और हम इस पर काबू पाएंगे और जल्द ही इसके आप परिणाम। उन्होंने कहा कि नशे की रोकथाम के लिए पुलिस अपना भरसक प्रयास कर रही है लेकिन उसमें सामाजिक भागीदारी भी जरूरी है। मीडिया से बातचीत के दौरान एसपी ने माना कि अन्य राज्यों की सीमाओं से सटे होने के कारण बहुत से स्थानों से नशा तस्कर बड़ी आसानी से इलाके में घुस जाते हैं और फिर निकल भी जाते हैं। इन्हें रोकने के लिए मैनुअल मॉनिटरिंग की बजाय आज डिजिटल मॉनिटरिंग की जरूरत है। पिछले अपने इस महीने जो अभियान चलाया हुआ है करीब उसमें 3-4 महिलाएं भी गिरफ्तार हुई है, तो नशा छूटा नहीं है। वो ये नहीं देखता है कि बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, आदमी है, पुरुष है, महिला है। जो हमारी पंजाब के साथ सीमाएं हैं उसमें लीक पॉइंट्स बहुत हैं, बहुत सारे रास्ते आते जाते रहते हैं। आज इसी बारे हमारे नॉर्दर्न रीजन के 8 स्टेट और यूटीज़ के डीजी कॉन्फ्रेंस भी है इस बारे, जिसमें मुझे भी इनवाइट किया गया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भी इसका हिस्सा बनूँगा। और हमने सजेशन जो पहले भी हमसे मांगा गया है तो ये कहा है कि 24 घंटे मैनुअल जो देख रेख है, विजिल है, वो बड़ा मुश्किल है। ऐसी सूरत में डिजिटल विजिलेंस उसका एक बड़ा अच्छा और गहरा जवाब हो सकता है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें बॉर्डर एरिया में होनी चाहिए ताकि उसका जब चाहो आप इस्तेमाल कर सके। और नशा को बता दें कि फतेहाबाद जिला नशेड़ियों और नशा तस्करों के लिए स्वर्ग बना हुआ है। यहाँ बड़े पैमाने पर नशा तस्करों के मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो महिलाएं भी नशा तस्करी करने में सामने आने लगी है। नशे को लेकर करीब एक वर्ष पूर्व 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक बैठक कर बढ़ते नशे के जाल पर चिंता जताई थी और इसकी रोकथाम के लिए पुख्ता प्रबंध करने की बात भी कही गई थी, मगर वो भी कागजी साबित हुई है। वहीं एसपी ने बताया कि पंचकुला में आज प्रदेश के अनेक पुलिस अधीक्षकों की एक बैठक बुलाई गई है जिसमें नशे की रोकथाम को लेकर विशेष रणनीति बनाई जाएगी। मैं अपने स्टेट के बारे में बताना चाहूँगा कि आज जो डीजी कॉन्फ्रेंस है उसके मुख्य अतिथि हमारे सीएम साहब ही हैं और जिस तमन्नता और जिस प्रवीणता से वो इस काम को करना चाहते हैं और उसकी सोच को भी प्रदर्शित करता है उनकी सोच को, और उम्मीद करते हैं कि ये जो इतना मिलन है अफसरों का उसके बहुत सारे पॉजिटिव सामने आए और नशे के खिलाफ जबरदस्त जंग हम। सर, पंजाब की सीमा से जिस तरह नशा तस्कर आते हैं नशा लेकर, उसको लेकर भी नाकाबंदी भी की जाएगी इस दौरान? कई रास्ते जो हैं पंजाब की सीमा के खुले हुए अभी भी। जैसे मैंने बताया कि नाकाबंदी दोनों ओर से करने का प्रोविजन रहा है, पहले भी रहा है, पर नाकाबंदी 24 घंटे इफेक्टिव हो सके इसकी बजाय हम चाहेंगे कि डिजिटल सर्वेलेंस सिस्टम वहाँ इंस्टॉल किया जाए जिसके परिणाम बहुत ही सार्थक। कंचन टीवी के लिए रतिया से सुनील कुमार की रिपोर्ट।